Good morning, everyone. I am Bawal from Suraj. How are you, student? I hope you all are fine. Today we will discuss the question answer of lesson 5, eating habit of animal. So let's start, children. Sir. Question 1. Answer the following question. In prashno ke uttar do. Question 1. What kind of teeth do herbivores have to help them eat their food? Kaun se teeth hota hai jo herbivores ko help karte hai apna khana bhojan chabane mein? To answer hai, herbivores have sharp and bold front teeth called incisor. जो उनका जो हार्बीवोरस के फ्रंट शार्प टीथ होते हैं, नुकीले टीथ होते हैं, उनको इंसीजर बोलते हैं. बाइट लीव्स, पत्तियां, ग्रास, घास खाने में मदद करते हैं. दीज फ्लैट टीथ हेल्प हार्बीवोरस टू च्यू देयर फूड इजीली. इन फ्लैट जो समतल दांत है हार्बीवोरस को अपना फूड जो होते हैं हार्बित्रण भक्षक होते हैं उन्हें अपना फूड आसानी से निगलने में चबाने में मदद करते हैं. कौन से टीथ हार्बीवोरस के? शार्प एंड बोर्ड टीथ होते हैं, उन्हें इंसीजर छेनी कहते हैं और ये टीथ उनको हेल्प करते हैं फूड को चबाने में. क्वेश्चन 2 है, व्हाट हेल्प स्क्वायरल एंड रैबिट टू गिनो देयर फूड? कौन स्केरा गिलहरी और खरगोश को हेल्प करता है गिनो अपने फूड को निगलने में मदद? कौन हेल्प करता है? स्केरल एंड रैबिट हैव ए सेट ऑफ वेरी लॉन्ग एंड फ्लैट फ्रंट टीथ. स्केरल और रैबिट, गिलहरी और रैबिट के पास एक सेट होता है लंबे और फ्लैट टीथ, समतल टीथ होगा सेट होता है. दीज टीथ हेल्प टू बाइट फ्रूट एंड सीड. वो जो टीथ होते हैं, टीथ का सेट होता है, उन्हें मदद करता है अपने फ्रूट जो वो फ्रूट खाते हैं और सीड्स बीज खाते हैं उन्हें खाने में वो मदद करता है. स्केरल और रैबिट को कौन मदद करते हैं? सेट होता है लॉन्ग टीथ का सेट होता है जो उन्हें वो खाने में मदद करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलिफेंट? जो एलिफेंट की सूंड है उसका फंक्शन, उसका कार्य क्या है? एलिफेंट यूज देयर लॉन्ग एंड थिक ट्रंक टू ईट फूड. एलिफेंट की जो लॉन्ग, लंबी और थिक गहरी जो सूंड होती है वो उसे भोजन खाने में मदद करती है. ड्रिंक वाटर, पानी पीने में मदद करती है. एंड टियर देयर फूड, और अपने भोजन को फाड़ने में मदद करती है. एलिफेंट की लॉन्ग और थिक ट्रंक होती है वो उन्हें पानी पीने में और अपने भोजन को फाड़ने में मदद करती है. हाउ टू फ्रॉग फीड देम सेल्फ? जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो अपने आप भोजन को कैसे ग्रहण करता है? व्हेन अ फ्रॉग फाइंड एन इंसेक्ट, जब फ्रॉग इंसेक्ट कीड़ों को ढूंढ लेता है, इट स्टिकी आउट इट टंग एंड कैप्चर द इंसेक्ट. जो उसकी जो लंबी जीभ होती है वो स्टिक कैप्चर करती है, इंसेक्ट को पकड़ती है. देन इट्स रोल, और उसको रोल करती है द टक बैक इन टू द माउथ, और वो वापिस अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर रख लेता है. फ्रॉग कैसे भोजन करता है बेटा? वो अपनी जो भोजन होता है उसको पहले ढूंढता है, पकड़ता है, फिर उसकी जो जीभ है उसको कैप्चर पकड़ती है और उसको रोल करती है. जीभ के द्वारा उस कीड़े को रोल करता है और अपने वापिस मुंह में रख लेता है. एक्सप्लेन फूड चैन विद एग्जाम्पल. जो फूड चैन है उसका एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता है. हार्बिवोरस से ऐसा ग्रास ऊपर, अब ये हार्बिवोरस क्या है? तृण भक्षक होते हैं. ग्रास ऊपर ईट ग्रास, जो ग्रास ऊपर है क्या खाता है? ग्रास को खाता है. ग्रास ऊपर इज ईटन बाय ए फ्रॉग, और जो ग्रास ऊपर होता है वो फ्रॉग मेंढक को खाता है. द फ्रॉग इज ईटन बाय ए स्नेक, और जो मेंढक होता है वो किसको खाता है? सांप को खाता है. एंड द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल, जो सांप है वो किसको खाता है बच्चों? ईगल को खाता है. सच अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन. इस चैन को क्या कहते हैं बच्चों? फूड चेन कहते हैं. देखो बच्चों ये पिक्चर देखो. अ फूड चेन बिगन फ्रॉम प्लांट एंड एन विद एन एनिमल. जो फूड चेन है वो प्लांट से शुरू होती है और इस पे एनिमल पे खत्म होती है. ग्रासों पर ईट ग्रास, फ्रॉग ईटन ग्रासों पर, स्नेक फ्रॉग को खाता है, और ईगल क्या है? स्नेक को खा जाती है. ये क्या है? फूड चेन है बच्चों. जब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का भोजन होता है वो क्या होती है बच्चों? फूड चेन होती है. व्हाट शुड वी डू कीप अवर डोमेस्टिक एनिमल फिट? हम अपने पालतू जानवरों को फिट, स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? वी शुड फीड देम विद हेल्थी न्यूट्रिएंट एंड हाइजीनिक फूड टू कीप देम फिट एंड फाइन. हम अपने जो पालतू जानवरों को है उन्हें हेल्थी कैसे रख सकते हैं? उन्हें पौष्टिक भोजन देकर, पौष्टिक और साफ भोजन देकर, कीप देम फिट एंड फाइन. पौष्टिक और साफ भोजन, उनकी प्रॉपर देखभाल करके उन्हें फिट और फाइन रख सकते हैं बच्चों. पार्ट डी है, डिस्कस इन क्लास. क्लास में डिस्कस करना है. वी ऑफन सी cow feeding on the garbage are thrown outside the house. What does it tell about the owner of the house? We often see cows feeding on a garbage or thrown
कौन। अब हम जानते हैं कि जो काओ है वो भोजन कर लेते, गार्बेज होता है कूड़ा करकट है उसको खा लेते। व्हाट डज इट टेल अबाउट द ओनर ऑफ द हाउस, हम उस ओनर ऑफ द हाउस को क्या कहेंगे। दिस शोज दैट द ओनर ऑफ द हाउस इज वेरी मच केयरलेस, यह हमें यह दिखाता है जो ओनर ऑफ द हाउस है वो बहुत केयरलेस है, लापरवाह, डज नॉट टेक केयर ऑफ क्लीनिनेस, उसे सफाई के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एंड इट आल्सो नॉट अवेयर द डिसएडवांटेज ऑफ अनहाइजीन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और उसको इस डिसएडवांटेज का बिल्कुल पता नहीं है कि इससे एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल भी दूषित हो जाता है, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर रूप से पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, सभी को अपना क्वेश्चन करने और याद करूंगी।